क्या हुआ महाराज, आपने अचानक ऐसे सभा क्यों बुलाई है? तुम सब तो जानते ही हो ना कि आजकल इंसान भूतों से डरते बिल्कुल नहीं है। इन सब की वजह सिर्फ हमारा लुल्लू ही है। वो इंसानों के समाज में घुल मिल कर रहने की वजह से बिल्कुल इंसानों की तरह हो गया है। ए महाराज, मेरे पास एक ऐसा सामान है कि जिससे आज शहर से वापस लौटने में रात हो गई है। अरे वो कैसी रोशनी है, अरे बाप रे, अरे रे रे, ये क्या चीज है? अरे बाप रे बाप, ये तो तुम कौन हो? इतनी रात में भूत के अलावा और कौन हो सकता है, बताओ क्या लगता है तुमको? मैं भूत हूँ। भागो बाबा भागो। चलो काम हो गया, गाँव के इस आदमी की डरपोक आत्मा अब मेरे वश में है। अरे ये क्या, ये बीच रास्ते में बॉल कहाँ से आ गया? लगता है ऑफिस से घर जा रहे हो हैं? अरे बाप रे, अरे बाप रे, बचाओ, ये भूत मुझे मार देगा। अरे बाप रे, वो कोई है, बचाओ। और आप शहर के एक आदमी की डरपोक आत्मा भी मेरे बस में है, इसी तरह और भी डरपोक आत्मा का जुगाड़ करना पड़ेगा। सुबह सुबह खुले आसमान के नीचे मेरा भोला सा मन खुलकर नाचना चाहता है। अरे ये क्या हुआ है? मॉर्निंग शो खत्म होने से पहले ही इवनिंग शो शुरू हो गया है? आखिर बात क्या है गुरु? भागो, जहाँ देखो भूत है, भागो यहाँ से, भागो। दादाजी यहाँ क्या हो रहा है बताएंगे? सुबह सुबह इतना अंधेरा कभी आज तक मैंने नहीं देखा लुल्लू। ऐसे बादल सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक के गांव में फैले हुए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लुल्लू, ये सब हो क्या रहा है? और सूरज की लाइट को हाइड करके साइड कर दिया है, हैं? अगर सूरज उदय नहीं होगा तो सोलर सिस्टम किस तरह से काम कर पाएगा, बताओ लुल्लू? और ये बादल तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये बादल तो बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। गांव तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इस बारे में मुझे घेघू चाचा से जरा बात करनी पड़ेगी। घेघू चाचा जी, थप्पा। आप अंदर कहाँ चुपचाप बैठे हुए हो मेरे प्यारे चाचा जी? आखिर क्या बात है रे लल्लो? मैं वो बोल रहा था कि चाचा जी, ये जो आसमान की चमक काले बादलों के पीछे छुप गई है, आखिर ये पूरा मामला क्या है? ना, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ लल्लो। तुम जाओ यहाँ से, गुड बाय। गुड बाय? चाचा जी का बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा है। नहीं क्या, एक बार भूत राजा के पास जाकर देखता हूँ। जाता हूँ। अरे तो बताइए मेरा काम कैसा लगा आपको? बेटू,
तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। इंसानों के मन में डर अगर बढ़ता चला गया तो फिर ये काले बादल और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इंसान जितना डरेगा वो बादल उतने ही बड़े होते जाएंगे। अब इंसानों को समझ आएगा भूतों का डर किसे कहते हैं। हर तरफ अंधेरा। और तो और घेघू भी अब हमारे साथ है। तो पूरा मामला ये है। बेचारे इंसानों को इस डर से मैं कैसे बाहर निकालूं अब। खेत के सारे धान के पौधे मर चुके हैं, ये क्या हो गया। रोइए मत, मुझे किसी को भी तकलीफ में देखकर नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो मैं बोल रहा हूँ कि दादी जी, मैं हूँ लुल्लू, लुल्लू भूत। अरे बाप रे, भूत भूत। आप डरिए मत दादी जी, डरिए मत, मैं हेल्पिंग भूत हूँ। ये बादल ही सारे फसाद की जड़ है, समझी क्या। आज ही मैं इस बादल का सफाया कर दूंगा, आप देखना। तुम ये कर सकते हो बेटा। आज या तो इस पार या तो उस पार। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये क्या लोहे का बादल है। अब क्या करूं। नहीं, रुकने से काम नहीं चलने वाला, रुकने से काम नहीं चलेगा। तो ये ले। नहीं, ये तो मुझसे हिल तक नहीं रहा है। इसने तो मेरी मैजिक की सारी लॉजिक ही फेल कर दी है। अब क्या करूं मैं। लगता है लुलू इसे हटा नहीं पाया। लग रहा है कि दादी जी से किया हुआ वादा मैं निभा नहीं पाऊंगा। अरे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। सोच लुलू सोच। मिल गया। मिल गया। ये बादल इंसानों के डर की वजह से बन रहे हैं ना, और ये डर उन्हें अंधेरे की वजह से लग रहा है ना। अगर ये अंधेरा ही नहीं रहेगा तब तो इतनी सी छोटी सी बात इतने समय से दिमाग में आई नहीं। अरे भाग्यवान भाग्यवान, बाहर आओ, देखो तो। कितने दिनों के बाद। बहुत मेहनत करके खुद की ऊर्जा से बल्ब की तरह चमक रहा हूँ। हाँ, मेरी रोशनी से ही इंसानों का डर खत्म हो जाएगा। क्या बात है, फिर से सोलार सिस्टम काम करने लग गया है। वाह वाह, क्या बात है। मेरे प्यारे साथियों, नो फियर, डर भगाओ, बादल हटाओ। वाह लुल्लू वाह, काम बन रहा है। ये डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी। इस लुल्लू ने तो फिर से अपनी मनमानी करना शुरू कर दी है। ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जा सकता है। कुछ भी हो, हम लोग लुल्लू से हार नहीं मानेंगे। क्या रे, अकेले अकेले बाहर ऐसे घूम रहा है जैसे तुझे भूत से डर ही नहीं है क्या। सुबह सुबह भूत से क्या डरना भाई।
मन का डर अब बहुत कम हो चुका है। उनके मन की शक्ति की वजह से ये काले बादल अब नहीं रहेंगे। बाबा सारे फसाद की जड़ ये छोटी सी बॉल से बने बादल ही हैं। अब इस टीनी मिनी माइक्रो बॉल को मिट्टी के नीचे गाड़ देता हूँ। बस आज की मॉर्निंग बहुत ही चार्मिंग लग रही है। ए लुलू, ए नीचे उतर, नीचे उतर। प्रणाम महाराज। तुमने भूत समाज के साथ ऐसा क्यों किया है लुल्लू? बताओ जरा, ऐसा क्यों किया बोलो? बताइए जरा, अभी भूत समाज में कितने भूत हैं? अच्छा सो। तो फिर अब ये सोचिए कि इतने सारे इंसान मिलकर कितने हजार हो जाते हैं। ये लोग अगर डर की वजह से चट से मरकर पट से भूत बन जाते तो फिर क्या भूत राज्य में इतने भूतों के लिए जगह होती है? वैसे बात तो तुम ठीक ही बोल रहे हो लुल्लू। अच्छा सुनो, आज के बाद इंसानों को कोई भी डराएगा नहीं, ठीक है? जैसा लुल्लू बोलेगा वैसा ही करना होगा। अब थोड़ी देर सो जाता हूँ। ओहो, बाप रे बाप, बहुत दिनों से थका हुआ हूँ।